तो नमस्कार दोस्तों, मुझे सुनील कुमार स्वागत करुच्छी आपण मानी नहीं गोटे सुंदर ओडिया एसे एसेर ना है दोल पूर्णिमा। तो भिड़ को निश्चय शेष पर्यटन देखु। उपक्रम प्राचीन कालरु भारतीय विद्वान माने छोटी ऋतु को अनुभव करिसंती, स्वीकृति प्रदान करिसंती। प्रत्येक ऋतुर स्वकीयता और वैशिष्ट्य स्वतंत्र। ऋतु अनुजाई प्रकृतिर रूप संभार मानव समाज को प्रभावित करे। पुणी ऋतुभेदरे अनुष्ठित पर्वपर्वाणी गुड़िक जनजीवन को आमोदित करने संगे संगे नूतन दिग्दर्शन देथाय। ऋतुमानक मध्यरे बसंतर श्रेष्ठत्व जुगे जुगे रहिछि। ऋतुराज बसंतरे पालन करा पर्वमानक मध्यरे दोल पर्व प्रधान। बसंत उत्सव दोल कवि कंठरे बसंतर जय जयकार जुगे जुगे अनुरणिक होइछि। आंब बौलर सुगंधी मृदुमलयर प्रतिपद प्रवाह कोइलीर कुहुतान पादपल्लवीर नवपल्लवर विकास रंग बेरंगर पुष्पावलीर प्रकाश और पुष्पसंभारे भ्रमर मानकर कुंजन नहीं ऋतुराज बसंत धरापृष्ठ को आगमन करे। शीतर प्रभाव नथाए खाद्यपेयर अभाव। बसंत मनरु संताप पछि नहीं थाए। जगत को रसाई हसाई और स्वप्न विभोर करी दल पल्ली जनतार प्राणरे आनंद सृष्टि करे। बसंतर एही मनछुआ परिवेशरे दोलोत्सव पालन अतीब तात्पर्यपूर्ण। बास्तवरे दोलोत्सव को बसंतोत्सव कहिले अजथात हेबो नाही। समय फाल्गुन और चैत्र बसंत ऋतुर अंतर्गत। यही दुई मासरे दोलजात्रा अनुष्ठित होइथाय। फाल्गुन शुक्ल दशमी तिथिरु ग्रामे ग्रामे राधाकृष्णंकर दोल उत्सव आरंभ हुए। फाल्गुन पूर्णिमा को दोल पूर्णिमा कहंती। यही दिन दोलोत्सव शेष हेले मध्ये चैत्र मासर दस बार दिन पर्यंत दोलजात्रा चलिथाय। चैत्रर पांच दिन सात दिन और दस दिन मध्यरे हेउथिबा उत्सव को यथाक्रमे पंचदल सप्तदल और दशदल कहुए। दोलोत्सव पालन कारण। भारतीय हिंदू समाज में दोलोत्सव बहु प्राचीन कालरु पालित हो आसुची। यार पालन मूल में विविध कारण विद्यमान। द्वापर जुगर कथा मेत्र नामक असुर कृष्णंकर प्रियस्थली वृंदावन में अत्याचार कला। कृष्ण मेत्र को विनाश कर वृंदावन पूर्वश्री और शांति फेर आनी। वृंदावनवासी से स्मृति रे दोल विमान रे कृष्ण को बसाई नगर परिक्रमा करिथिले। सेही दिनरु दोल उत्सवर सृष्टि और समाज रे ताहार प्रचार और प्रसार घटी अछि। राधाकृष्णंकर बसंत रसोत्सव को केन्द्र करी दोल यात्रार सृष्टि बोली कहा जाए। वृंदावनर जमुना कूल रे श्रद्धालु गोपांगना राधाकृष्ण को कुंज मध्यरे लतादळी रे बसाई चाचेरी खेलिथिले। झुलाओग झुलन दोली गीत गाई से आत्महरा हो पड़ुले। वास्तविक से स्मृति मन में भरी दिए आश्वासना और प्राण में भरी दिए असरती पुलक। ग्राम परिक्रमा और भगकिया राधाकृष्ण मदन मोहन बा दलगोविंद को केन्द्र कर दल उत्सव अनुष्ठित हुए। फाल्गुन शुक्ल दशमी पूर्णिमा पर्यंत ठाकुर विमान आहरण कर ग्रामदाण्डे यात्रा करती। प्रति द्वार प्रभु उद्देश्य नैवेद्य समर्पण कराए। ठाकुरों सम्मुखे छत्र तासा बाना धरी सेवक मैंने चली था। विभिन्न बाजा संकीर्तन और पटुआर व्यवस्था करगखियारू स्पष्ट अनुमति हुए जे देवता और मनुष्य मध्य घनिष्ठ सहृदयता विद्यमान। मनुष्य सिना देवता निकट को जाए, देवता मनुष्य पाखे प्रार्थी रूपे दंडायमान हुए। यही उदार परिकल्पना दोलोत्सव मिले। दोल पूर्णिमा दोल मंडप दोल विमान रूपे मदनमोहन पूजित हुए। सेठारे ठाकुरों निकटरे चणा साकर भोग लगे। दियंकु आंबकसी लागि हुए। ग्रह विप्र ठाकुर निकटरे नुआ पांजी खोली वर्षकर शुभाशुभ जणांती। दोलजात्रा और मेलन। मेलन दोलजात्रार एक प्रधान अंश। पूर्णमी दिन मेलन पड़िया दोल विमान गुड़िक एकत्र हुंती। भोग लगी परे ठाकुर विमान गुड़िक वृत्ताकार प्रदीक्षण करती। यहाँ मेलन कहुए। पूर्णमी व्यतीत पंचदल सप्तदल और दशदल प्रभृति ओडिशार गाँ गहली मानकरे अनुष्ठित हुए। बाणपुर और हरिराजपुर जटणी विख्यात पंचदल यात्रा दर्शनीय। दल गोपाळंक उत्सव। दल गोपाळ संप्रदायर एक प्रधान उत्सव। सेमाने नूतन वस्त्र परिधान करी दल गोविंद को पूजा करती। अंटारे काछटा बांधी हाथरे लंबा बाड़ी धरी मुंडरे जामुडाळ खसी खेल खेलती। यह अत्यंत मनमुग्धकर। पुणी बंशी और शंखनादरे दांड उछली पड़े। गोपाळ अगाळ गीत गाई सेमाने नृत्यरत हुए। दल और फगु खेल। दल उत्सव में फगु खेल एक विशेषत। दल खेल लोके फगु खेली आत्महरा हूँ। फगु बा अबीर व्यतीत पिचकारी परस्पर उपर को रंगपाणी पकाई उत्सव को आहरी सरस और चित्ताकर्षक करते।
बेले बेले एथिर अप्रीतिकर परिस्थिति मध्ये सृष्टि हुए एथिप्रति सावधानता अवलम्बनीय उपसंहार दल ओडिया मानकर एक आनंदमय पर्व एही पर्व रे प्राण हुए पुलकित ओ प्रसारित सहृदयता ओ भातृत्वर बंधन निबिड़ हुए दल प्राण रे पवित्र जाह्नवी धारा सृष्टि हुए देवतांक उद्देश्य रे गर्भधत्त मनीषर मस्तक अवनत हुए दलर पुनरागमन पाई पुणी मनीष प्रतीक्षा करे।